और मेरे प्यारे भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, फुल मस्ती करेंगे। एंड गाइस, ये वाली इंट्रो ना बहुत दिन हो गया था बोले हुए, बिकॉज गाइस मैं इवेंट वगैरह की वीडियो नहीं डाल पा रहा था। सो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गाइस, बहुत बड़ी वाली सॉरी। एंड अब से गाइस आप सभी को कंटिन्यू इवेंट्स की वीडियो एकदम एडवांस में देखने को मिल जाएगी। साथ ही गाइस हमारे गेम के अंदर एक और बहुत बड़ी टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुकी है, फ्री फायर प्रो लीग, जिसके अंदर से हमें बहुत बड़ी वाली रिडीम कोड देखने को मिलेगी। सो उसके बारे में क्या कुछ सीन है, क्या कुछ मिलने वाले है, सारी चीजें बात करने वाले आज की इस वीडियो में। साथ ही गाइस हम लोग बात करने वाले आने वाले नेक्स्ट वेपन रॉयल के बारे में। एंड गाइस कुछ चीजें ऐसी है जो कि गाइस हमें रिटर्न में देखने को मिलने वाले, यानी कि गाइस बहुत दिनों से आप लोग देख रहे हो ना कि कुछ ना कुछ हमें रिटर्न्स में देखने को मिल ही रहा है। एंड फिर से गाइस दो चीजें कुछ ऐसी है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है एंड वो हमें रिटर्न्स में देखने को मिलने वाली। तो आखिरकार वो क्या चीज है, क्या सीन है, सारी चीजें आप सभी को दिखाने वाला एंड बताने वाला। साथ ही गाइस आप लोग कमेंट करते रहते हो कि भाई मुझे अपने फ्रेंड लिस्ट में ले लो, मुझे फ्रेंड लिस्ट में ले लो, रिक्वेस्ट भेज दो। तो भाई अगर आप लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में आना चाहते हो या फिर मेरे साथ खेलना वगैरह चाहते हो तो गाइस आपको करना क्या है, मैंने सेकेंड चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी है, ओके, जिसमें मैंने 1v2 यानी कि फिस्ट फाइट हुई है बहुत ही मस्त तरीके से, वो भी दो हिपो बंडल वगैरह के साथ, यानी कि सीजन 1 वाले के साथ एंड सीजन 2 वाले के साथ, बहुत ही मस्त वाली। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको करना क्या है वहां पर जानी है, पूरी फुल वॉच करनी है, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करनी है एंड साथ में गाइस अपनी यूआईडी कमेंट कर देना, ओके, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज दूंगा, ओके। तो सारे बंदे चले जाना इस वीडियो को देखने के बाद, ओके गाइस सारे बंदे चले जाना जिनको भी ऐड होना है, ओके। तो चलो गाइस यार बकवास बंद करते हैं, आप सभी को सारी की सारी चीजें बताते हैं कि आखिरकार क्या क्या चीजें हमें फ्री में मिलने वाली है, कौन कौन सी इवेंट्स आने वाली है। बट उससे पहले गाइस जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट कर देना वीडियो को एक लाइक, एंड चैनल पर पहली बार आ रही उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन भाई लोग चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऊपर सेलेक्ट कर लेना ताकि गाइस आपसे कोई भी इंटरेस्टिंग रोज मिस ना हो, आप देख पाओ सबसे पहले। तो चलो गाइस यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिलहाल गाइस अपने गेम के अंदर जो वेपन रॉयल चल रही है काफी ज्यादा वाहियात है, किसी ने भी नहीं निकाला होगा, ऐसे बंदे निकाले होंगे जिन्हें कलेक्शन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बट गाइस हमें 8 दिन बाद एक नया वेपन रॉयल देखने को मिलने वाला है एंड वो होने वाला है अपने मिनी यूजी का, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। एंड इसकी एट्रीब्यूट होने वाली है मैगजीन डबल रिलोड स्पीड सिंगल, जो कि आप लोग देख पा रहे हो एंड भाई पहले से इतना ज्यादा खतरनाक होता है। तो भाई जब इसके अंदर डबल मैगजीन आ जाएंगी तो कितनी ज्यादा इमो पड़ेगी एंड कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी सोच ही रहे हो। तो भाई आप लोग बताना कि क्या आप लोग नेक्स्ट वेपन रॉयल निकालने वाले हो या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर से बताना। साथ ही गाइस आप सभी लोग जो ये वाली है 1987 देख पा रहे हो ट्रॉपिकल पायरेट वाली, ये हमें जल्द ही रिटर्न्स में देखने को मिलने वाला है। जी हां गाइस, एंड ये फ्री फायर का वन ऑफ द बेस्ट M1887 है एंड भाई साहब इसकी डैमेज सिंगल प्लस है, मतलब भाई बहुत ही ज्यादा डैमेज देती है एंड भाई कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही गोली में बंदे का काम तमाम हो जाता है। तो गाइस मैं क्या ही अमित भाई का डायलॉग कॉपी कर रहा हूँ, वैसे गाइस जल्द ही हमें रिटर्न्स में देखने को मिलने वाली है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग ट्रॉपिकल पैरेट वाली जो M1887 है उसे निकालना पसंद करोगे या फिर नहीं, या फिर गाइस आपके पास पहले से ही पड़ी हुई है आप लोग यूज करते हो, कॉमेंट करके जरूर से बताना। साथ ही गाइस अपने गेम के अंदर एक और नई इवेंट देखने को मिलने वाली यानी टोकन टावर की, जिसके अंदर गाइस आप सभी को फ्रोजन फ्लेम वाली जो फिस्ट की स्किन है वो देखने को मिल जाएगी, यानी कि जो विंटरलैंड वाली फिस्ट की स्किन है वो आप सभी को देखने को मिल जाएगी। एंड हाँ गाइस इसमें आपको बहुत सारे डायमंड्स लगाने पड़ेंगे एंड जब आप लोग बहुत सारे डायमंड्स लगा लोगे उसके बाद गाइस आप लोग ये सारी आइटम्स ले पाओगे। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग ये चीज निकालना पसंद करोगे या फिर नहीं, या फिर निकालोगे ही नहीं, कभी निकालते ही नहीं हो, कमेंट करके जरूर से बताना। यानी कि कुछ होते हैं ना कि यार बहुत सारे डायमंड टॉप अप करने वाले होते हैं या फिर कुछ करते ही नहीं है, कमेंट करके जरूर से बताना। साथ ही गाइस आप लोग जो सामने ग्रिफिन M4A1 की जो यहाँ पर चारों की चारों स्किन देख पा रहे हो यानी चारों इनक्यूबेटर देख पा रहे हो, ये आप सभी को जनवरी महीने के सेकेंड वीक तक देखने को मिलने वाला है, यानी कि गाइस ये बहुत टाइम पहले आया था, बहुत टाइम पहले एंड गिने चुने बंदे के पास था, यानी जो बंदे बहुत ही ज्यादा पुराने प्लेयर्स थे उनके पास था। बट गाइस एक बार फिर से आप सभी को गेम के अंदर देखने को मिलने वाला है एंड ये आप सभी को रिटर्न्स में देखने को मिलने वाला है जनवरी महीने के सेकेंड वीक के अंदर, आप सभी को ये चीज देखने को मिल जाएगा। तो भाई जो बंदे अगर निकालना चाहते हो वो निकाल सकते हो, जो बंदे नहीं निकालते वो तो भाई एकदम मजे में ही रहते हैं, कोई टेंशन नहीं भाई, कुछ है कुछ जाए उससे कोई मतलब नहीं। बट हाँ जो बंदे निकालते हैं वो बंदे निकाल सकते हैं एंड देख ही पाड़ो क्या ही मस्त वाली यहाँ पर स्किन्स वगैरह है, बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी है देख ही पाड़ो। एंड एक चीज तो ये है ना कि बहुत कम बंदों के पास है, यानी कि बहुत पुराने प्लेयर्स के पास है। सो गाइस आप लोग खुद ही देख रहे हो ना कि जो भी ओल्ड ओल्ड चीजें थी यानी कि बहुत ही ज्यादा रेयर थी एंड वो बहुत टाइम पहले गेम के अंदर आई थी, आज तक कभी दोबारा आई नहीं थी, वो
गाइस रिटर्न्स वगैरह में देखने को मिल रहे हैं। तो देखो गाइस जो सामने जिस चीज की गेम प्ले देख पा रहे हो यानी कि रेड क्रिमिनल क्रिमिनल की स्क्वाड वो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ गाइस मेरी ओपिनियन अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ कि गाइस वो आप सभी को इनक्यूबेटर में देखने को नहीं मिलेंगे, किसी वेव इवेंट में देखने को मिल सकते हैं, वो भी एक एक करके चारों क्रिमिनल्स आपको एक एक करके देखने को मिल जाएंगे। बिकॉज देखो गाइस अगर इनक्यूबेटर में आता है तो स्टोन सबके पास ऑलरेडी रहता है, ये बस ब्लूप्रिंट निकालेंगे एंड एक्सचेंज कर लेंगे, तो इससे बहुत जल्दी सबको मिल जाएगा। एंड इतना रेयर भाई इतना रेयर, मतलब गाइस समझ सोच रहे हो गाइस, मतलब रेड क्रिमिनल येलो क्रिमिनल भाई साहब ये सारी चीज अगर इजीली मिल जाए तो भाई यार गेम का क्या ही बोले। तो देखो यार आप सभी को वेव इवेंट में देखने को मिल सकता है एंड गरीना ये कभी नहीं चाहेगी कि भाई कम डायमंड्स में किसी को मिल जाए, एंड इसीलिए गाइस वेव इवेंट में ज्यादा चांसेस है जिसमें आप सभी को एक एक करके देखने को मिलेंगे एंड बहुत सारे डायमंड्स लगाने पड़ सकते हैं। बाय द वे गाइस जो भी चीज हो वो तो भाई बाद की बात है, वो तो जब आएगी तब देखने को मिलेगी। बट हाँ गाइस फिलहाल जो अपने गेम के अंदर टूर्नामेंट आज चल रही है ना, मतलब अपनी प्रो लीग यानी कि फ्री फायर प्रो लीग, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमें क्या क्या रिडीम कोड्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखो गाइस जब पिछली बार फ्री फायर प्रो लीग की फाइनल टूर्नामेंट हुई थी उसके अंदर गाइस हमें तीन चीजें दी गई थी, डायमंड रॉयल के वाउचर, सर्वोड एंड रॉकी पेट। तो देखो गाइस इस बार जो हमें 30 तारीख को फाइनल देखने को मिलने वाले यानी कि 30 जनवरी को, तो इसी से रिलेटेड कुछ चीजें देखने को मिल सकती है। देखो गाइस गेटेड पेट तो हमें पहले ही मिल गया है, तो हो सकता है हमें कुछ नया बंडल वगैरह देखने को मिल जाए या फिर गाइस कोई आने वाला न्यू पेट वगैरह वो देखने को मिल जाए। एंड हाँ गाइस हर बार की तरह इस बार भी गाइस हमारे फ्री फायर प्रो लीग के फाइनल टूर्नामेंट के दिन यहाँ पर लाइव वॉचिंग का माइलस्टोन दिया जाएगा एंड जिसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग को रिडीम कोड दिया जाएगा। तो देखो यार अगर आप लोग टाइम पे रिडीम कोड वगैरह लेना चाहते हो सारे बंदे तो गाइस आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। तो चलो गाइस यार हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। एंड हाँ गाइस अगर आप लोग फ्रेंड लिस्ट में आना चाहते हो देन फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो एंड जाकर के फटाफट उस वीडियो को वॉच करो।